लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मसूरी में बस दुर्घटना में घायल लोगों का हाल जानने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दून अस्पताल व मैक्स अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों को घायलों के उचित उपचार के निर्देश दिए हैं। मंत्री जोशी ने कहा कि हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों का उपचार कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार घटना की जानकारी ले रहे हैं। दून अस्पताल में भर्ती घायलों को परिवहन निगम की ओर से सहायता राशि दी गई। अस्पताल आए रोडवेज के अधिकारी और कर्मचारियों ने घायलों को 5,000 और गंभीर घायलों को 10-10 हजार की सहायता राशि दी है। उत्तराखंड में सितारगंज रोड पर पहेनिया टोल प्लाजा के पास दो कारों की आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में टैक्सी चालक की मौत हो गई, वहीं 11 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। टक्कर लगने के बाद सवारियों से भरी कार सड़क पर पलट गई। कार के पलटने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। चीख सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और यात्रियों को कार से बाहर निकाला। हादसे में टैक्सी वाहन के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश परिसर में 27 फरवरी को हुए शैक्षणिक व प्रशासनिक भवन का शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक की शिकायत शिक्षा मंत्री से की गई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा सचिव को जांच के आदेश दिए। शिक्षा मंत्री को भेजी गई शिकायत में बिना मंजूरी के मंच में अतिथियों की सिटिंग प्लान में फेरबदल और ऐसे लोगों को मंच पर स्थान देने की बात कही गई, जिससे मुख्यमंत्री की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। आरोप है कि पूर्व कुलपति मंच पर अपने साथ रिवॉल्वर भी लाए हुए थे, इससे मुख्यमंत्री की सुरक्षा को खतरा था। बरेली रोड मंडी से लेकर नरीमन चौराहा काठगोदाम तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। एनएच के अंतर्गत आने वाले इस सड़क के चौड़ीकरण और निर्माण कार्य का अजय भट्ट ने शिलान्यास किया। 9 किलोमीटर लंबी इस सड़क की कुल लागत 12 करोड़ से अधिक है। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि लंबे समय से इस सड़क को ठीक कराने की मांग की जा रही है, लेकिन PWD के पास इसका बजट नहीं था। उन्होंने इसको लेकर बैठक की, जिसमें सड़क को ठीक करने के लिए NHAI के जरिए PWD को पैसा ट्रांसफर कराया गया, जिसका परिणाम है कि आज सड़क का शिलान्यास किया गया। चारधाम यात्रा से पहले खराब मौसम ने प्रशासन की परेशानियां बढ़ा दी है। बीते 18 दिनों से केदारनाथ में प्रतिदिन हो रही बर्फबारी से तैयारियां प्रभावित हो रही है। भारी बर्फबारी के कारण कुबेर गदेरा में पैदल मार्ग फिर से अवरुद्ध हो गया है। रविवार सुबह से केदारनाथ में हल्के बादल छाए रहे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अभियंता सुरेंद्र रावत ने बताया कि भारी बर्फबारी के कारण गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग कुबेर गदेरा में फिर से अवरुद्ध हो गया है। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज़। ऐसे ही ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा Facebook पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।